सत श्री अकाल। फटाफट खबरां तुसीं देख रहे हो जिथे तुहानू दिखाईआं जांदीआं ने देश दुनिया मनोरंजन खेड ते व्यापार जगत दीआं अहम सरगर्मियां फटाफट यानी तेज़ रफ्तार दे नाल रोज़ाना दी तरह रुक करदीआं अज दी पहली खबर वल जिथे कि भारत दे विच इक दिन च करोना दे 11,109 नवे मामले सामने आउण तों बाद देश दे विच हुण तक करोना पीड़ितां दी गिणती 4,47,00,000 तों वी वध हो गई है। पिछले करीब 236 दिनां च दर्ज कीते रोज़ाना मामलिआं दी सब तों वध गिणती दसी गई है। इस नाल ही देश विच इलाज अधीन मरीज़ां दी गिणती वध के 39,622 हो गई है। आज सवेरे 8 बजे केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों जारी रिपोर्ट मुताबक करोना कारण दिल्ली अते राजस्थान दे विच 3-3, छत्तीसगढ़ अते पंजाब विच 2-2 अते हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, उत्तराखंड विच, उत्तर प्रदेश विच 1-1 मरीज की मौत तो बाद देश विच वायरस कारण जान गवाउण वाले लोगों की गिणती वध के 5,31,064 हो गई है। विसाखी जोड़ मेले मौके सवेर दे दीवाना उपरंत तख्त दमदमा साहब दी फसील तो कौम दे नां संबोधन विच जथेदार तख्त दमदमा साहब ते कार्यकारी जथेदार अकाल तख्त ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि पहला विसाखी जोड़ मेलिया ते पुजन वालियां संगतां लई स्वागती बैनर लगदे सन ते लंगर लगाए जांदे सन, पर इस वार जोड़ मेले ते पुजन वालियां संगतां दी तलाशी लई गई। फिर भी कौम वधाई दी पात्र है कि वड्डी गिणती विच दमदमा साहब पुज रही है। उन्होंने आख्या पंजाब दे शांत पाणियां च पत्थर मारिया जा रहा है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली के 40,00,000 परिवारों की बिजली सबसिडी अज खत्म हो जाएगी और सोमवार तो बगैर सबसिडी वाले वधे बिजली के बिल मिलेंगे, क्योंकि बिजली सबसिडी वधाउण दा कैबिनेट का फैसला उपराजपाल को पे है। उन्होंने आख्या बिजली सबसिडी मामले से दिल्ली के उपराजपाल वीके सक्सैना तो मुलाकात लई 5 मिनट का समा मंगया गया सी, पर उन्हें अगों इस गल का कोई जवाब नहीं दिता तो स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार ने बिजली सबसिडी के लिए बजट अलर्ट किया है और जिहड़ी रकम है उदों तक जारी नहीं की जा सकती जदों तक उपराजपाल इस नाल संबंधित फाइल वापस नहीं कर देंगे। आमदन तो वध जायदाद बनाउण दे मामले दे विच अज पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी मोहाली स्थित पंजाब विजिलेंस ब्यूरो दे मुख दफ्तर पहुंचे ते विजिलेंस दी जांच विच शामिल होए ने। इस तों पहलां पत्रकारां नाल गल्लबात दौरान साबका मुख्यमंत्री ने कहा इह सब राजनीति एजेंडा है, उन्हां खिलाफ साजिश रची गई है। चन्नी ने यह भी आख्या अज उन्हां दी गिरफ्तारी भी हो सकती है ते कहा कि मैं किसी तो डरन वाला नहीं। उन्होंने आख्या मैनूं जानों भी मार सकते ने। इस मौके उन्होंने कहा कि मेरे तक घर की कुरकी होण दे आर्डर होए ने जिस उत्ते मैं हाईकोर्ट वालों स्टे ली हुई है। उन्होंने अपने अते अपने पुत्र के नाम जायदाद संबंधी जानकारी दी है। चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस भवन तो विजिलेंस दफ्तर मोहाली विखे अपने वकीलों नाल पहुंचे सन जिस संबंधी पंजाब विजिलेंस वालों पूछ पड़ताल की जा रही है। शुभमन गिल की शानदार पारी सदका गुजरात टाइटन्स ने मोहाली के पीसीए स्टेडियम विच होए आईपीएल के बेहद फसवें मैच विच पंजाब किंग्स नू 6 विकटां नाल हरा दिता है। गुजरात टीम विच खेड रहे मोहाली के शुभमन गिल ने 49 गेंदा विच 67 दौड़ा की शानदार पारी खेड के गुजरात की जित यकीनी बनाई है। उन्होंने 7 चौके 1 छक्का लगाया तो आखिरी ओवर तक क्रीज से डटिया रहा। पंजाब किंग्स के 8 विकटा उत्ते 153 दौड़ा के स्कोर का पिछा करद गुजरात टाइटन्स ने 19.5 ओवर विच 4 विकटा के नुकसान न 154 दौड़ा बना के जित दर्ज की। अमरीका के साबका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप तो उन्होंने कंपनी दिया कारोबारी गतिविधियां बारे चल रहे मुकदमे के संबंध में न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल दफ्तर ने करीब 7 घंटे तक पूछ पड़ताल की है। दूजी बार है जदों ट्रंप ने कारोबारी गतिविधियां दित्तियां ने। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो वालों राज विच भ्रष्टाचार विरुद्ध चल रही मुहिम दौरान पुलिस थाना हरियाणा जिला होशियारपुर विखे तैनात सहायक सब इंस्पैक्टर लोकल रैंक रजिंदर सिंह नूं 5,000 रुपए की रिश्वत मंगण अते लैण लई गिरफ्तार किया है। अज इत्थे खुलासा करदिआं विजिलेंस ब्यूरो के बुलारे ने दस्सिआ उपरोक्त पुलिस मुलाजम बसी नौ हरियाणा के रहने वाले संजय उर्फ आशू की शिकायत से गिरफ्तार किया गया है। होर वेरवे दिंदे हुए उन्होंने दस्सिया कि शिकायतकर्ता ने विजिलेंस ब्यूरो कोल पहुंच के दोष लाया कि उपरोक्त पुलिस कर्मचारी ने शिकायतकर्ता खिलाफ हरियाणा थाने विच दर्ज केस अदालत विच चलान पेश बदले 5,000 रुपए रिश्वत वजो देने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असाम के बसंत उत्सव रंगाली बिहू के पहले दिन 1 दिना दौरे से गुवाहाटी पहुंचे। गुवाहाटी हवाई अड्डे के राजपाल गुलाब चंद कटारिया के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया है ते 14,000 करोड़ रुपए के वख-वख विकास प्रोजेक्टों का उद्घाटन नींह पत्थर रखे है। प्रधानमंत्री ने 1,120 करोड़ की लागत नाल बने गुवाहाटी एम्स का उद्घाटन किया जिसका नींह पत्थर मई 2017 में रखा गया सी। इस तों अलावा उन्होंने 500 बिस्तरों वाले 3 मैडिकल कॉलेज नलवाड़ी मैडिकल कॉलेज नगाओं मैडिकल कॉलेज कोकरा 4 मैडिकल कॉलेज भी असाम के लोगों समर्पित किए हैं।
गुवाहाटी तो ही इन्होंने मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन होया। गुवाहाटी एम्स कामरूप जिले के चंगसारे में बनाया गया है। उत्तर पूर्व में पहला ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिज है जिसनों प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। हिमाचल प्रदेश के सुंदर नगर शहर के जवाहर पार्क में 25 लाख रुपए खर्च के घा उगाया गया पर 5 महीने बाद उत्थे सब तबाह हो गया। दस दिए कि इतने हर साल जवाहर पार्क में देवता और नलवाड़ मेले का विशाल समागम होंगे। उस समागम के पिछों पार्क का माड़ा हाल होंगे पर यह सब जानते हुए भी सुंदर नगर प्रशासन ने 25 लाख रुपए खर्च के उत्थे घा उगाया जबकि सब पता है कि 5 महीने बाद इसका हशर की होने वाला है। एक घा नवंबर 2022 में 25 लाख खर्च के उगाया गया से मार्च 2023 मेले दौरान घा पूरी तरह मिट्टी हो गया। प्रशासन की इस मूर्खता को सोची समझी साजिश दसदियां एडवोकेट आशीष शर्मा और बीबीएमबी व्यापार मंडल के प्रधान अश्विनी सैनी ने आवाज बुलंद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौत की सजा याफ्ता दोषी अपनी रहम दी अपीलों से फैसला करने च बेलोड़ी देरी का फायदा उठा रहे हैं। इस नाल ही अदालत ने राज सरकार संबंधित अधिकारियों को अजिहियां पटीशनों से जल्दी तो जल्दी फैसला करने के निर्देश दिए ने। जस्टिस एम आर जस्टिस शाह जस्टिस सिटी रवि कुमार के बैंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट वालों अंतिम फैसला आने बाद भी रहीम की पटीशन से फैसला करने च बेलोड़ी देरी मौत की सजा के मकसद को खत्म कर देगी। बैंच ने कहा इस लिए राज सरकार संबंधित अथॉरिटिया रहम दी पटीशनों का जल्दी फैसला करन अते निबेड़ा करन लई सारे यतन करने चाहिए ने तां जो दोषी जिहड़ा भी है भविख दा उसनू पता लग सके ते पीड़ता नू भी न्याय मिल सके। सो इस नाल अज दीआं फटाफट खबरां, मैनू देवो इजाजत, धन्नवाद।